हेलो दोस्तों, स्वागत है जी तुहाड़ा साडे यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों हाजिर हाँ बाल विकास नाल संबंधित नेक्स्ट पार्ट लैके। जिहड़े दोस्त NTT अते आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो साडा चैनल सबसक्राइब जरूर कर लैन जी, ताकि कि इदां दी वीडियो तुहाडे तक भी पहुँच सकन। सो अज दा टॉपिक शुरू करते हाँ, जिस विच फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, परी प्राइमरी पड़ाव ते बच्चा लिखण दी बजाय पढ़ने नूं ज़्यादा महत्व दिंदा है, ये सीखण दे कि सिधांत ते आधारित है? अजमायश ते गलती दे आधारित, समर्था दे आधारित, अंतरदृष्टि दे आधारित या नकल दे आधारित? तां इस दे विच बच्चा है जी सीखण दे समर्था दे आधार दे विच ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पद्धर ते एक बच्चे नूं उसकी माँ बोली भाषा विच पढ़ाउणा बेहतर हुंदा है, क्योंकि ये बच्चे नूं आत्मविश्वास पैदा करता है, इस नाल सीखना आसान हो जाता है, ये बौद्धिक विकास में मददगार है, या ये बच्चों कुदरती माहौल में सीखने की सहायता करता है? तो प्राइमरी पद्धर से एक बच्चे माँ बोली भाषा में पढ़ाना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चों कुदरती माहौल में सीखने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, किस सीखने का मुलाकण सीखने दी कमियां ते मुश्किलों की पछाण करता है? प्लेसमेंट मुलाकण, संपूर्ण मुलाकण, निरंतर मुलाकण या डायगोनस्टिक मुलाकण? तां सीखण दीआं कमियां ते मुश्किलां दी पछाण करदा है जी डायगोनस्टिक मुलाकण, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ, एक बच्चे की शरीरक उम्र ते मानसिक उम्र दोनों ही 7 साल हन, उसनूं किस श्रेणी विच श्रेणीबद्ध कीता जा सकदा है? मंद बुद्धि विच, सधारण बुद्धि दे विच, उत्तम बुद्धि विच या जीनियस श्रेणी दे विच? तां अजिहे बच्चे नूं रखिया जा सकदा है सधारण बुद्धि दी श्रेणी दे विच, ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठां विचों किस दी वरतों बच्चे दीआं सही प्रतिक्रियावां अते ढुकवें व्यवहार नूं वधाउण लई कीती जाणी चाहीदी है? उसदी आलोचना करनी चाहीदी है, सख्ती करनी चाहीदी है, इनाम की घोषणा करनी चाहिए है या उसकी प्रशंसा करनी चाहिए है? तो उस बच्चे की प्रतिक्रियावां ते व्यवहार को बधाउण दे लई उसके कम्मां की प्रशंसा करनी चाहिए है, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन, विचार प्रक्रियावां दे निर्माण नाल संबंधित अध्ययन का खेत्र जिस विच याद रखना, समस्या हल करना अते फैसला लेना शामिल है, तो यह कि अध्ययन के अंतर्गत आते हैं? पैडालोजी का अध्ययन, सिक्ख्या का अध्ययन, ज्ञानवाद का अध्ययन या बौद्धिक विकास का अध्ययन? तो यह सारिया प्रक्रियावां आउंदियां हन जी बौद्धिक विकास के अध्ययन के विच, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान एक तो मनोविज्ञान किस तरह का विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो मनोविज्ञान है जी एक व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, हेठ लिखे विचों कि सिखलाई का एक वधिया तत् नहीं है? विकल्पिक पाठ पुस्तकों की वरतों, सिक्ख्या के बदलवें ढंग, बाल केंद्र से सिखलाई की गतिविधि या समूह अध्यापन? तो इन्हों के विचों जो सिखलाई का सब तो वधिया तत् नहीं है तो वह है समूह अध्यापन, ऑप्शन नंबर डी। बाकी दे तत्त वधिया सिखलाई दे लई सारे उचित हन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर व्यापक मुलाकण द्वारा इन्हां विचों किहड़ा मापिया जांदा है? संपूर्ण विकास, रचनात्मकता दा विकास, तजर्बे दा विकास या वक्री सोच दा विकास? तां निरंतर व्यापक मुलाकण दे द्वारा मापिया जांदा है जी संपूर्ण विकास, ऑप्शन नंबर ए। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, हेठ लिखे विचों कि एक क्लास में एक बच्चे की चंगी सिक्ख्या में सहायता करता है? ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, चित्र तस्वीर या मॉडल तस्वीर? तो एक क्लास के वधिया पढ़ाई के लिए सब तो उचित कारक है जी वह है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ, विद्यक संस्थावान का पाठक्रम आधारित होना चाहिए है? थ्योरी के आधारित, अभ्यास के आधारित, थ्योरी अते अभ्यास के आधारित
थ्योरी अभ्यास अते रिसर्च दे आधारित तां विद्यक संस्थावां दा पाठक्रम आधारित होना चाहिए है जी, थ्योरी अते अभ्यास दे आधारित, ऑप्शन नंबर सी। सो अगला क्वेश्चन, वाल्डोर्फ की सिक्ख्या किस संतुलन विकास से जोर दिंदी है? सिर अते दिल दे विकास ते, दिल अते हत्थां दे विकास ते, सिर अते हत्थां दे विकास ते, सिर दिल अते हत्थां दे विकास ते। तां वाल्डोर्फ की सिक्ख्या जोर दिंदी है सिर दिल अते हत्थां दे विकास ते, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे के दिमाग में कोई डैश नहीं हुंदा, याद, कल्पना, ज्ञान या जन्म के समय की कल्पना। तो जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे के दिमाग के जन्म समय की कल्पना नहीं हुंदी, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, विद्यक दर्शन विच व्यवहारवादिता की धारणा कहती है कि सिक्ख्या किस दे बारे होनी चाहिए है? नेकी दे बारे, सहनशीलता दे बारे, जीवन अते विकास दे बारे, चंगे नागरिकता दा रूप धारण करन दे बारे। तां दर्शन विज्ञान दी धारणा कहिंदी है कि सिक्ख्या जीवन अते विकास दे बारे होनी चाहिंदी है, ऑप्शन नंबर सी। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, मनोविज्ञानियों का मनना सी कि एक बच्चा डैश विच रह के वधिया सीखता है एकांतवास दे विच, समाज दे विच, सथ दे विच जां बंद कमरे दे विच। तां मनोविज्ञानियों दे अनुसार एक बच्चा वधिया सीखदा है जी, उह सीखदा है समाज दे विच रह के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हाँ, एक स्कूल विच सिक्ख्या दी गुणवत्ता दा सब तो महत्वपूर्ण सूचक है स्कूल दीआं बुनियादी सहूलतां, क्लासरूम सिस्टम, पाठ पुस्तकां अते अध्ययन सिखलाई समगरी जां उपरोक्त सारे। तां इक स्कूल दे विच सिक्ख्या दी गुणवत्ता दे सब तों वधिया सूचक हन जी ये तिन्ने, स्कूल दीआं बुनियादी सहूलतां, क्लासरूम सिस्टम, पाठ पुस्तकां दे अध्यापक सिखलाई समगरी। सो इसका सही आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे ही। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, एक रचनात्मकता नाल सिखाउण दे लई सब तों वधिया कारक सिद्ध हो सकता है जी जिहड़ा, ड्राइंग अते पेंटिंग विच बहुत प्रभावशाली होवे, बहुत समझदार होवे, टेस्टां विच लगातार चंगे अंक हासिल करन दे समर्थ होवे जां पारदर्शी सोच अते समस्या दे हल करन लई चंगी समझ रखदा होवे। तां रचनात्मकता नाल सिखाउण दे लई सब तों वधिया कारक है जी पारदर्शी सोच अते समस्या दे हल लई चंगी समझ रखदा होवे, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन, वातावरण सिक्ख्या स्कूल विच पढ़ाई जानी चाहिंदी है क्योंकि वातावरण प्रदूषण नूं प्रभावित करता है, यह जिंदगी दा महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह अध्यापक नूं नौकरी देवेगा जां असीं वातावरण तों बच नहीं सकते। तां वातावरण स्कूल दे विच पढ़ाया जाना चाहिंदा है जी क्योंकि यह साडी जिंदगी दा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। सो अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों विच किरत करन दी भावना पैदा करन दे लई एक अध्यापक नूं की करना चाहिंदा है? अध्यापक नूं खुद मेहनत करनी चाहिंदी है, अध्यापक नूं किरत दी महत्ता बारे भाषण नहीं देना चाहिंदा, विद्यार्थियों नूं समय समय ते किरत करन दी सहूलत दित्ती जानी चाहिंदी है, जां विद्यार्थियों नूं मेहनत करन वाले लोकां दीआं उदाहरणां दित्तियां जानी चाहिंदियां हन। तां विद्यार्थियों दे विच किरत करन दी भावना पैदा करन दे लई विद्यार्थियों नूं मेहनत करन वाले लोकां दीआं उदाहरणां दित्तियां जानी चाहिंदियां हन, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, एक सिद्धांत के तौर पर निर्माणवाद, तां एक सिद्धांत के तौर पर निर्माणवाद अध्यापक की प्रभावशाली भूमिका पर जोर दिंदा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, एक बच्चे के विकास में जीव विज्ञान किस तरह सहायता करता है? तो एक बच्चे के विकास में जीव विज्ञान सहायता करता है जी, ये बच्चे के अंदर मनोविज्ञानक ढांचे और प्रक्रियावां नूं उसके विकास में निर्धारित करने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर ए।
सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ। एक प्राइमरी अध्यापक नूं बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना लाजमी है, वो इस करके है, ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के नतीजे में सुधार किया गया है, बच्चों को प्रेरित करने लिए एक ढुकमा ढंग बन जाता है, या ये अध्यापक के लिए बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है। तो एक अध्यापक नूं बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना इसलिए लाजमी है ताकि ये अध्यापक के लिए बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता कर सके। क्वेश्चन नंबर डी, सो अगला क्वेश्चन, शरीरक तौर पर अपाहज विद्यार्थी स्कूल विच सालाना खेडों दौरान हिस्सा लेने लिए बहुत उत्सुक होता है, तुहानू इस मुद्दे को किवें संभालना चाहिए है? खेडां तुहाडे लई हानिकारक हन उसनू आखना चाहिए है? उसनू खेडां विच वधिया प्रदर्शन करन दे लई हल्लाशेरी देनी चाहिए है? उसनू टीम विच शामिल नहीं करना चाहिए जो उसनू खेडां विच शामिल होने तो रोकना चाहिए है? तो अजिहे अपाहज विद्यार्थियों के लिए जिहड़े स्कूल दीआं खेडां विच भाग लेना चाहुंदे हन उसनू खेडां विच वधिया प्रदर्शन करन दे लई हल्लाशेरी देनी चाहिए है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हाँ, जवानी के समय बच्चों में लिंगता के विकास नाल नजिठण का एक ढंग है बचाव कार्य विधि, जिमें श्रेष्ठता बचाव कार्य विधि, प्रोजेक्शन बचाव कार्य विधि, संपूर्णता बचाव कार्य विधि, या तर्कशीलता बचाव कार्य विधि। तो जवानी के समय बच्चों में लिंगता के विकास नाल नजिठण लई सब तो वधिया बचाव कार्य विधि है जी, वह श्रेष्ठता बचाव कार्य विधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हाँ, जे एक बच्चा क्लास में प्रश्न का गलत जवाब दे तो एक अध्यापक को की करना चाहिए है? वो बच्चे एक होर सवाल करेगा, वो किसी होर बच्चे पूछेगा, वो बच्चे डरावेगा, जो दसेगा कि बच्चे द्वारा दिता गया जवाब गलत क्यों है? तो जेकर क्लास के एक बच्चे ने गलत जवाब दिता है तो अध्यापक उसको दसेगा कि बच्चे द्वारा दिता गया जवाब क्यों गलत है? ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, इंटेलीजेंस टेस्टिंग जानने लिए लाभदायक है, व्यक्तिगत अंतर, मानसिक तौर पर परेशानी, विद्यक विच पछड़ापन, या ये सारे? तो इंटेलीजेंस टेस्टिंग जानने लिए लाभदायक है जी, ये सारे तरह का, व्यक्तिगत अंतर, मानसिक तौर पर परेशानी, विद्यक विच पिछड़ापन। सो इसका सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए सारे। सो अगला क्वेश्चन देखते हाँ, धारनावां का विकास मुख्य तौर पर किसका हिस्सा है? भावनात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, शरीरक विकास का, या समाजिक विकास का? तो धारनावां का विकास मुख्य तौर पर हिस्सा है जी बौद्धिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हाँ, प्याजे के अनुसार विकास के पहले पड़ाव दौरान जन्म तो लगभग 2 साल की उम्र एक बच्चा सब तो वधिया सीखता है, इंद्रिया की वरतों करके, निरपक्ष शब्दों को समझ के, एक वक्रे अंदाज विच सोच के, भाषा के नवे हासिल किए ज्ञान को लागू करके। तो प्याजे के अनुसार एक छोटा बच्चा सब तो वधिया सीखता है जी इंद्रिया की वरतों करके, ऑप्शन नंबर ए। सो नैक्सट अते लास्ट क्वेश्चन देखते हाँ, जेकर कोई लड़की निजमत तौर पर स्कूल नहीं आती तो तुम उस लई की करोगे? कोई परेशानी नहीं जेकर वो नहीं आती, स्कूल विचों उसका नाम कट दोगे, प्रिंसीपल नूं शिकायत करोगे, जां उसके मापिआं नूं मिलोगे अते उन्हां नूं स्कूल आउण लई हौसला दोगे? तो जेकर कोई लड़की स्कूल नहीं आती, एक टीचर होने के नाते तुम उसके मापिआं नूं मिलोगे अते उन्हां नूं स्कूल आउण लई हल्लाशेरी दोगे? ऑप्शन नंबर डी। सो दोस्तों ये अज के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।